अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत अली में हाजिर होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है कि अपने खोए हुए प्यार को पाने के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। लेकिन इससे पहले किस अमल के बारे में आपकी खिदमत अली में कुछ हर्षकों गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन, याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, ना जायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए, सदे कामों के लिए। हमारे तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है। हम टूना जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी, गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मतलब नाज़रीन, आप चूँकि अमलियात जाफरी में शिरकत फरमा रहे हैं, तो आज का जो अमल है वो मोहब्बत का अमल है। अगर अपना कोई भी मोहब्बत हो या खोया हुआ प्यार, अगर आप चाहते हैं कि खुद ब खुद आपको मिल जाए, आपको कुछ भी ना करना पड़े, ना खिलाना पड़े, ना उसको जलाना पड़े, ना कब्रिस्तान में दफन करना पड़े, कोई ऐसा नक्श हो कि जिसके ज़रिए से, जिसकी मदद के ज़रिए से आपकी मुराद, आपका ये मकसद, आपकी तमन्ना पूरी हो जाए, तो उसके लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सादा, बिल्कुल आसान, बहुत ही सरल है। अगर ख़वातीन हज़रात करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं, बस नापाकी का लिहाज रखें। जब पाक हो जाएं तब वो कर सकती हैं। पहले करना क्या है, सबसे पहले पाक साफ होकर किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। बस कमर दर अकरम में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। रूबा किबला बैठ जाएं, फिर उसके बाद काले पेन से सफ़ेद कागज़ पे लिखें। पहले लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले लिखेंगे 786, फिर उसके बाद लिखेंगे 5 6 9 8, फिर दूसरे खाने में आ जाएंगे 5 7 1 2, फिर तीसरे खाने में आ जाएंगे 5 7 0 9, फिर चौथे खाने में आ जाएंगे 5 7 0 5। तो इस तरीके से आप इस तावीज़ मुबारक को बनाएं। जब बनाएं तो तसव्वुर करें जिसके लिए आप ये कर रहे हैं कि वो कहीं भी हो, किसी भी वक्त दुनिया में किसी कोने में हो, तो वो आपके पास आए, आपसे मुलाकात करे, आपसे सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करे, आपसे रابطہ कायम करे। इस नीयत से इस तावीज़ को बनाएं और बनाने के बाद या तो अपने गले में बांध लें या बाजू में बांध लें, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखें इंशाल्लाह तबारक ताला इसका असर ये होगा कि इसका खुद ब खुद मुअक्किल जो है वहाँ पहुँचेगा और उसके दिल में इतनी मोहब्बत आपकी भर देगा कि वो आपके बगैर रह ही नहीं सकता। किसी भी हालत में किसी भी वक्त कर सकते हैं, बस नापाकी की हालत में बिना करें। बहुत मुजर्रब अमल इसका इस्तेमाल करें। ख्वातीन भी अगर करना चाहे तो खुद बना लें, खुद कर लें। बहुत ही आसान, बहुत ही मुजर्रब अमल है। लेकिन याद रखें, सिर्फ टेस्ट के लिए या फिर यूं ही किसी को तड़पाने के लिए या किसी को अपने इश्क में दीवाना बनाने के लिए कतई भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनको तक ये पहुँचे, अगर वो भी उस मुसीबत से दो चार हों तो उनको भी छुटकारा मिले, निजात मिले। और आपको दुआ में याद रखें। और शर्त अव्वल ये है, इजाज़त के लिए शर्त अव्वल ये कमेंट में जाके या अल्लाह या मोहम्मद लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।